नमस्कार दोस्तों, रेज एजुकेशन एकेडमी में आप सभी लोगों का स्वागत है। आप सभी लोगों को 26 जनवरी या गणतंत्र दिवस या स्वाधीनता दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। यहाँ पर हमने स्वाधीनता दिवस शब्द का प्रयोग किया है, अर्थात स्वाधीनता दिवस और स्वतंत्रता दिवस में अंतर है। भारत को जहाँ पे स्वतंत्रता 15 अगस्त 1947 को प्राप्त होती है, वहीं पर स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1950 को प्राप्त होती है, या 26 जनवरी 1950 ईस्वी को स्वाधीनता दिवस गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। दोनों में अंतर यह है कि 15 अगस्त 1947 को भारत को जब आज़ादी मिली तो उसके बाद अंग्रेजों के द्वारा भारत में शासन समाप्त कर दिया गया, यानी कि अंग्रेजों के द्वारा अब भारत में शासन का संचालन नहीं किया जाएगा। लेकिन स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि इस दिन भारतीय संविधान सभा के द्वारा बनाए गए संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर दिया गया, अर्थात अब ना तो अंग्रेज शासन करेंगे और ना ही अंग्रेजों के द्वारा बनाया गया कानून यहां पर लागू होगा। इसीलिए स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1950 ईस्वी को मनाया जाता है क्योंकि इस दिन संविधान सभा के द्वारा बनाया गया कानून लागू हो गया, देश में विभिन्न प्रकार के सरकार के अंगों को शक्तियां संविधान से प्राप्त हो गई, जिसके माध्यम से यहां से शासन का संचालन किया जाने लगा। एक और सवाल उत्पन्न होता है कि जब स्वाधीनता दिवस 26 जनवरी 1950 को प्राप्त हुई और हम मानते हैं कि स्वतंत्रता दिवस 15 अगस्त 1947 ईस्वी को मिल गई, तो इस बीच के समय को क्या कहा जाता है? तो इस बीच के समय के लिए एक विशेष प्रकार के शब्द का प्रयोग किया जाता है, जिसे हम यहां पे लिख रहे हैं, डोमिनियन स्टेट 15 अगस्त 1947 से लेकर 26 जनवरी 1950 के बीच के समय को डोमिनियन स्टेट कहा जाता है, अर्थात भारत को आजादी मिल गई किंतु इस पीरियड में शासन का संचालन अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून से ही चलता रहा। इसलिए एक ऐसा काल था जब भारत स्वतंत्र तो हो गया परंतु पूर्ण रूप से यहां के द्वारा बनाए गए कानून से संचालित नहीं होता है। इसीलिए 15 अगस्त 1947 से लेकर के 26 जनवरी 1950 के बीच का जो समय है उसे डोमिनियन स्टेट के नाम से जाना जाता है, जिसे आप ये कह सकते हैं कि भारत आजाद हो गया पर पूर्ण आजादी उसे नहीं प्राप्त हुई। पूर्ण रूप से आजादी भारत को 26 जनवरी 1950 को प्राप्त होता है। 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जब आजादी प्राप्त हो जाती है तो इसके बाद संविधान बनाने की जद्दोजहद प्रारंभ होती है। और एक सवाल बार बार ये आता है कि क्या जो संविधान सभा संविधान का निर्माण कर रही थी वह निर्वाचित थी या नहीं। वास्तव में संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित नहीं थी, किंतु उस समय सरकार के लिए जो चुनाव हुए थे, जो उस समय की विधानसभाएं थी, उन विधानसभा के सदस्यों से ही संविधान सभा का गठन हुआ था और उन विधानसभा के सदस्य निर्वाचित हुए थे। इसलिए यह माना जा सकता था कि संविधान सभा प्रत्यक्ष रूप से भले ही निर्वाचित नहीं थी किंतु उसके सदस्य निर्वाचित थे, इसलिए कहा जाता है कि भारत के सभी क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व संविधान सभा में थी और संविधान सभा निर्वाचित सदस्यों के द्वारा संविधान का निर्माण कर रही थी। इसलिए इसे कहा जा सकता है कि इसे जनादेश प्राप्त था, क्योंकि अक्सर ये सवाल भी पूछा जाता है, टिप्पणी भी परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, जो आपके समझ आधारित प्रश्नों पर निर्भर करता है कि आप किस तरीके से उत्तर लिखते हैं। तो यहाँ पर इस बात को समझना आवश्यक है कि संविधान सभा निर्वाचित प्रत्यक्ष रूप से न होते हुए भी चूंकि निर्वाचित सदस्यों के माध्यम से बनी हुई थी, इसलिए इसे जनतांत्रिक कहा जा सकता है या जनादेश प्राप्त संविधान सभा थी जिसने संविधान का निर्माण किया। अब दूसरी एक और बात है प्रतिनिधित्व को लेकर के, तो संविधान सभा चूंकि इसके सदस्य अलग अलग संविधान सभा क्षेत्रों से थे, इसलिए इसमें प्रतिनिधित्व सभी क्षेत्रों का था। इवन कि इसमें 15 महिलाएं भी भाग ले रही थी, इसलिए जहां विभिन्न क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व था वहीं पर लैंगिक आधार पर भी जो है इसमें प्रतिनिधित्व दिया गया था, जिससे सभी पक्षों और सभी मुद्दों से सरोकार रखने वाली बातों को इसमें सम्मिलित किया जाना संभव हो सके। तो इस आधार पर यहां जो प्रतिनिधित्व की बात आती है तो उसमें क्षेत्र
और लिंग इन दोनों ही आधार पर इसमें प्रतिनिधित्व था। क्षेत्र और लिंग इन दोनों के आधार पर इसमें प्रतिनिधित्व पर्याप्त था, इसमें किसी भी आधार पर जो है ये सवाल नहीं किया जा सकता है। हाँ, इसी के बीच में एक इस पर प्रश्न ये लगाया जाता है कि भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग, भारतीय संविधान वकीलों का स्वर्ग, संविधान सभा वकीलों का स्वर्ग था। अब इस बात को समझना आवश्यक है कि संविधान का निर्माण एक तकनीकी कार्य है, इसमें विभिन्न प्रकार की बारीकियों को ध्यान में रखना है। अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करते हुए उनकी वह बातें जो भारत देश के अनुकूल है, यहां विविधता में एकता के भावना को संचित करने, संकलित करने, उसे संरक्षित करने से संबंधित है, उन बातों को एडाप्ट किया गया। तो इन सारी परिस्थितियों को ध्यान में रखना और उसके बाद संविधान का निर्माण कराना एक दुरूह कार्य था, एक कठिन कार्य था। ऐसी स्थिति में इसमें अत्यंत साधारण लोगों को नहीं रखा जा सकता था। तो ऐसी स्थिति में वे लोग जो कानून का अध्ययन किए थे, संविधान का अध्ययन किए थे, उच्च शिक्षित वर्ग के लोग थे, उनको इसमें रखा गया। तो इन सभी क्राइटेरिया को ध्यान में रखने के कारण से इसमें एडवोकेट या वकीलों का प्रतिनिधित्व था पर्याप्त रूप में और उनकी भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। इसलिए ये कहा जा सकता है कि उनकी भूमिका देश में बनाई जाने वाले संविधान की बारीकियों को ध्यान में रखने हुए, विभिन्न तकनीकी पक्षों को समझने के कारण से, देश की परिस्थितियों के लिए और विविधता में एकता की भावना को सुरक्षित रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से आवश्यक था, इसलिए इनका प्रतिनिधित्व दिया गया था। किंतु अगर नकारात्मक संदर्भ में बात किया जाए कि इनका वकीलों का स्वर्ग था, स्वर्ग से तात्पर्य यह हो गया कि इनकी संख्या बहुत ज्यादा थी, ये मनमानी कर रहे थे, अपने अनुसार इसमें चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, तो ऐसी बातें नहीं थी। क्योंकि संविधान निर्माण की अपनी एक प्रक्रिया थी, अपना एक सिद्धांत था जिसके आधार पर संविधान सभा कार्य कर रही थी, विभिन्न प्रकार की समितियां थी। तो इसलिए ये नहीं कहा जा सकता है कि इसमें स्वेच्छाचारिता थी, बल्कि ये कहा जाए कि संविधान के विभिन्न पक्षों को समझने के लिए, देश की परिस्थितियों के अनुसार संविधान का निर्माण करने के लिए कुछ विशिष्ट जानकारी के लोगों की आवश्यकता थी। इन्हीं बातों की पृष्ठभूमि में वकीलों का प्रतिनिधित्व था, पर ऐसा कुछ नहीं था जिससे कि वह एक पक्षीय संविधान का निर्माण करते या देश की परिस्थितियों को ध्यान में ना रखते हुए संविधान का निर्माण करते। तो इस आधार पर संविधान में वकील थे संविधान सभा में, परंतु वह इस आधार पर अपना कार्य नहीं कर रहे थे जिससे कि उनके कार्य को नकारात्मक कहा जाए या इस तरीके से लगाए जाने वाले आरोप को सिद्ध किया जाए। तो दूसरी बात यह हो गई। तीसरा, इनके कार्य, संविधान सभा की जो कार्य प्रणाली थी, कार्य करने का जो तरीका था, वो समितियों पर आधारित था। समितियों के माध्यम से कार्य होती थी। टोटल 22 समितियां इसमें थी और 8 मुख्य समिति थी जिसके माध्यम से ये कार्य करती थी। उसमें प्रारूप समिति थी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर उसके अध्यक्ष थे, और प्रारूप बनाने का कार्य इनके माध्यम से, प्रारूप का मतलब फॉर्मेटिंग करना था विभिन्न देशों के संविधान का अध्ययन करके, ताकि संविधान को अंतिम रूप जमीनी स्तर पर दिया जा सके। तो कार्य करने का जो तरीका था समितियों पर आधारित था, और जो संविधान निर्माण के सिद्धांत थे वो चर्चा एवं सहमति पर आधारित थी, बहस होती थी और उस पर सहमति, चर्चा एवं सहमति। देखिए, कानून बनाना और संविधान का बनाना ये दोनों अलग बातें हैं। जब हम देश में कानून बनाते हैं किसी विषय पर, चाहे वो असेंबली हो या पार्लियामेंट हो, दोनों के माध्यम से ही, यानी कि विधानमंडल और संसद के द्वारा जब कानून बनाए जाते हैं, तो उसमें कहीं कहीं पर 2/3 बहुमत की बात होती है और कहीं कहीं पर 50% प्लस वन की बात होती है, यानी कि साधारण बहुमत होती, कहीं कहीं पर विशिष्ट बहुमत होती, देन वो राष्ट्रपति के द्वारा हस्ताक्षरोपरांत कानून बन जाता है। तो यह एक विशिष्ट मुद्दे से संबंधित हो जाती है। लेकिन संविधान पूरे देश के अलग अलग पक्षों से संबंधित था, अलग अलग अंगों को शक्तियां प्रदान करना था, दीर्घकालिक बनाना था, व्यापक बनाना था, भारत में विविधता की एकता की भावना को संरक्षित और सुरक्षित रखना था। ऐसी स्थिति में यदि केवल वोटिंग के माध्यम से किसी विषय पर निर्णय होता तो यह माना जाता कि कुछ पक्षों की भावना उसमें सम्मिलित नहीं है, इसलिए वहां पर केवल वोटिंग के बजाय चर्चा एवं सहमति पर व्यक्त किया गया, बल दिया गया, ताकि सभी लोगों की सहमति उसमें लिया जा सके और यह माना जा सके कि संविधान में या संविधान निर्माण की प्रक्रिया को
पूरे देश का समर्थन प्राप्त है। इसलिए जहां पर कार्य विभिन्न प्रकार की समितियों के माध्यम से होता था, वहीं पर संविधान निर्माण के जो सिद्धांत थे वो चर्चा एवं सहमति पर आधारित थे। भारत के संविधान निर्माण के लिए एक लंबी प्रक्रिया हुई, अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया। आपको जानकारी ही है कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का इसमें समय लगा। इसमें कुल 3 वाचन हुए और इसमें कुल मिलाकर के 12 अधिवेशन हुए तथा 105 बैठकें इसमें हुई। यानी कि 3 वाचन, 12 अधिवेशन और 105 बैठकें, 105 इसमें बैठकें हुई। और तीसरा वाचन 26 नवंबर 1949, 26 नवंबर 1949, इसी को 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन यहां पर समाप्त होता है। और इसी दिन 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया। आपको यह जानकारी होगा कि भारत में जब संविधान सभा पहली बार गठित हुई तो उसमें 389 सदस्य थे, किंतु जब पाकिस्तान की मांग और सीधी कार्रवाई इत्यादि की बात हुई तो इसके विधानसभा के संविधान सभा के सदस्यों की संख्या घट करके 299 बचती है और 284 सदस्यों के द्वारा उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। 284 सदस्यों के माध्यम से उस पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। तो 26 नवंबर 1949 को इस पे यह तीसरे वाचन में इसमें हस्ताक्षर किया गया और 284 सदस्यों ने इस पे हस्ताक्षर किया। 26 नवंबर 1949 ब्रैकेट में मिति मार्ग शीर्ष शुक्ल सप्तमी संबद्ध 2006 विक्रमी को संविधान को क्या किया गया, अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित। इसके लिए शब्द क्या प्रयोग हुआ है, अंगीकृत अधिनियमित, अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित, अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित, ये 3 शब्दों का इसमें प्रयोग किया गया। इसको अंगीकार किया गया, अधिनियमित कर दिया गया। जैसे अधिनियम बनता है कि मतलब जो देश की जो व्यवस्था है अब वो इस व्यवस्था के अनुसार चलेगा, इसीलिए इसको कहा गया अधिनियमित कर दिया गया, आत्मार्पित किया गया। आत्मार्पित का मतलब यह है कि कोई थोपी गई व्यवस्था नहीं थी, बल्कि यह एक प्रक्रिया के तहत, देश के जनादेश के तहत, एक सहज व्यवस्था के अंतर्गत इसको आंतरिक रूप से लोगों ने जो है स्वीकृति प्रदान की। इस प्रकार से यह अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित 26 नवंबर 1949 को किया गया। इसके कई प्रावधानों को, स्थिति को लागू भी कर दिया गया। हालांकि यह पूर्ण रूप से यह 26 जनवरी 1950 अब यहां पे यह भी सवाल है कि 26 नवंबर 1949 को यदि अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित किया गया, संविधान का निर्माण कर दिया गया, तो 26 जनवरी 1950 को क्यों लागू किया गया? क्योंकि 1929 में लाहौर में कांग्रेस का अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन में यह निर्णय लिया जाता है कि अब प्रतिवर्ष 26 जनवरी को स्वाधीनता दिवस मनाया जाएगा। और इसी कारण से इस ऐतिहासिक तिथि के महत्व को ध्यान में रखते हुए 26 जनवरी 1950 ईस्वी को संविधान को पूरी तरीके से लागू किया गया। क्योंकि 26 नवंबर के बाद अगला जो 26 जनवरी पड़ रहा है वो 1950 में ही पड़ रहा है, इस कारण से इसे 26 जनवरी 1950 ईस्वी को पूर्ण रूप से लागू कर दिया जाता है। तो यह रही संविधान के निर्माण की एक कहानी। अब इसमें एक और चीज हम बताएंगे कि गणतंत्र शब्द का क्या मतलब है। सभी चीजों के साथ साथ गणतंत्र शब्द के मतलब को भी समझना आवश्यक है, क्योंकि हम हर देश के लिए गणतंत्र शब्द का प्रयोग नहीं करते हैं। और दूसरी बात यह है कि यदि 26 जनवरी को देश में स्वाधीनता दिवस आ जाता है, स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो फिर इसके लिए गणतंत्र शब्द का भी प्रयोग क्यों किया जाता है। यानी कि गणतंत्र एक ऐसे राजनीतिक प्रणाली की स्थिति को व्यक्त करता है जहां पर उसका सर्वोच्च पद वंशानुक्रम के अधीन ना होकर के वह निर्वाचन प्रणाली के अधीन होता है। जैसे हम ब्रिटेन को रिपब्लिक नहीं कर सकते हैं, लेकिन इंडिया रिपब्लिक है,
भारतीय गणराज्य, इसीलिए इसको कहा जाता है भारतीय गणराज्य, क्योंकि यहाँ का सर्वोच्च पद और प्रथम नागरिक जो राष्ट्रपति है वह निर्वाचन के अधीन होता है और भारत के किसी भी वर्ग, जाति, धर्म, लिंग, जन्म स्थान से परे इस पद का निर्वाचन किया जाता है। इसी के कारण भारत में अनारक्षित वर्ग से लेकर के दलित वर्ग तक के लोग और महिला से लेकर के पुरुष वर्ग तक के सभी लोग राष्ट्रपति के पद पर आसीन हो चुके हैं। तो अब आप समझ चुके होंगे कि गणतंत्र किसी भी देश की एक ऐसी राजनीतिक प्रणाली की व्यवस्था होती है जहां पर उसका सर्वोच्च पद वंशानुक्रम के बजाय चुनाव की प्रणाली पर आधारित होता है। और भारत में चूंकि इस व्यवस्था को संविधान के माध्यम से अंगीकृत किया गया है, इसलिए भारतीय गणराज्य इसको कहा जाता है। एक अंतिम सवाल जो मुख्य परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण हो सकता है, उस चीज को हम लोग यहां पर देखने का प्रयास करेंगे कि भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। इस पर उधार का थैला, उधार के थैला का आरोप लगाया जाता है। भारतीय संविधान को उधार का थैला कहा जाता है। यदि इस पर टिप्पणी लिखने के लिए आता है तो क्या लिखा जाएगा? इस पर यही लिखना है कि भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा के द्वारा किया गया था। संविधान सभा विभिन्न समितियों के आधार पर कार्य कर रही थी और इसके प्रारूप का निर्माण प्रारूप समिति के माध्यम से किया जा रहा था और प्रारूप बनाने के पूर्व में वह दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन करती थी और संविधान की वह भाग या अंश जो देश की व्यवस्था के अनुरूप थे, देश में जनता के भावना को पूर्ण करने के लिए तथा देश के विकास करने के लिए आवश्यक थे, उन बातों को इसमें लागू किया जा रहा था। तो इस आधार पर इतना तो बात सही है कि अलग अलग देशों के संविधान के अध्ययन पर आधारित भारत का संविधान था, किंतु यह कह देना कि भारत का संविधान उधार का थैला है यह सही नहीं है। इस आधार पर क्योंकि हम दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया और उसकी बातों को ज्यों का त्यों हमने नहीं रखा, बल्कि उन प्रावधानों को भारतीय व्यवस्था के अनुरूप परिवर्तित किया, यहां पर चर्चा परिचर्चा किया और आम सहमति से भारतीय संविधान में सम्मिलित किया गया, इसलिए यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान का निर्माण करते समय दुनिया के अलग अलग देशों के संविधान का अध्ययन किया गया और उन अध्ययनों परांत भारत के संविधान का निर्माण किया गया, किंतु उन देशों के प्रावधान को चूंकि पूर्ण रूप से लागू नहीं किया गया था, इसलिए भारतीय संविधान पर उधार के थैला का आरोप लगाना उचित नहीं है। तो ये रही कुछ संविधान के पूर्व और संविधान निर्माण की कहानी तथा कुछ तकनीकी पक्ष जिसे हम आपके माध्यम आप तक जो है पहुंचाने का प्रयास कीजिए। और 26 जनवरी 2023 इस बार 74वें गणतंत्र दिवस के रूप में मनाया जा रहा है और इसकी दो विशिष्ट बात यह है कि इस बार परेड के मुख्य अतिथि मिस्र के राष्ट्र अब्देल फतह अल सिसी को न्योता दिया गया है और यह पहली बार है जबकि कर्तव्य पथ पर इस परेड का आयोजन किया जाएगा, क्योंकि इस कर्तव्य पथ को पहले राजपथ कहा जाता था और उस राजपथ का नाम बदल करके अब कर्तव्य पथ कर दिया गया है। तो एक बार फिर से आप सभी लोगों को, सभी देश के नागरिकों को, देश की व्यवस्था, देश के विकास, देश में शांति, देश में समरसता की भावना को विस्तृत करने के लिए संविधान को लागू करने की तिथि 26 जनवरी यानी कि स्वाधीनता दिवस या गणतंत्र दिवस की ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे और देश के विकास के साथ साथ पारिवारिक व्यक्तिगत स्तर पर अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे। आप सभी लोगों को ढेर सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।